सब लोग अक्सर मुझे फ़ोन करके और कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि सर बिना छल्ला के ढोलक बजाना सिखाइए। तो देखिए, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप जितनी भी ढोलक सुनते हैं, चाहे वो भोजपुरी गाना हो, वो मराठी गाना हो, गुजराती गाना हो, हिंदी गाना हो, मलयालम तेलुगु गाना हो, किसी भी भाषा का गाना हो, जो आर्टिस्ट बजाते हैं वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होते हैं। और सीधी बात है, वो प्रोफेशनल है, उसी की खा रहे हैं, तो रात दिन उसमें मेहनत कर रहे हैं, और वो लोगों ने छल्ले के साथ ही सीखा है। और छल्ले के साथ और विदाउट छल्ले के साथ में अंतर क्या है? तो देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के साउंड में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो आप अपने आप को अपडेट करिए। अगर आप वाकई अच्छी ढोलक बजाना चाहते हैं तो आप छल्ले का इस्तेमाल करिए। अपने गाने भी आप सुनते हैं, चाहे वो भजन हो, चाहे कोई फिल्म का गाना हो, सब तो प्रोफेशनल और रिकॉर्डिंग वाले आर्टिस्टों ने ही बजाया है। तो सीधी बात है कि अगर आप बिना छल्ला के बजाएंगे या आप ऐसी ढोलक बजाएंगे तो वो वेट नहीं आएगा और ना वो क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी क्यों नहीं मिलेगी, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, ढोलक जो है हमारा एक पीस चमड़ा है, ये पूरा जो चमड़ा है यही एक चमड़ा है जिसके इसके ऊपर भी गुथा हुआ है। ध्यान से समझिएगा बात को, एक पीस है। एक पीस होने की वजह से क्या होता है कि अगर आप थोड़ा भी आप हाथ आपने यहाँ टच कर दिया और फिर आप बजाएंगे तो देखिए ये क्या हो गया, चाटी जो है ऐसा लग रहा है गीली हो गई, जबकि चाटी तो गीली नहीं है, पर आपने उसको रख दिया हाथ और फिर बजा रहे हैं तो उसका साउंड जो है वाइब्रेट नहीं हो रहा है, ठीक है। जबकि अगर हम इसी चीज़ को छल्ले के साथ बजाएंगे तो हमारी जो फिंगर है वो लेदर में टच नहीं हो रही हैं और सीधा रिंग यहाँ से हम सपोर्ट ले रहे हैं और डायरेक्ट, ये देखिए हम ऐसा मार रहे हैं इसको, देखिए क्लियर साउंड आ रहा है, उसका आंच मिल रहा है हमको। जबकि आप यहां रख के बजाएंगे तो इतना लाउड भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है हाथ को, और ये आवाज भी करेगा, देखिए आप कितना भी हल्का सा रखेंगे तो वो फट फट का साउंड करेगा ही, और अगर माइक लगा हुआ है तो यही साउंड और भी आपको डिस्टर्ब करेगा, और जब आपके हाथ में क्लैरिटी नहीं होगी तो साउंड वाला कितना भी साउंड बढ़ाएगा तो ओस जो खट खट फट फट आ रहा है वो भी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इस चीज़ को समझिए और कोशिश करिए आप अपने आप को अपडेट करने के लिए। देखिए, पहले ये चीज़ें कोई बताता नहीं था, कुछ समय पहले ऐसी इंडस्ट्री की जो बातें हैं कोई आपसे नहीं बताता था। आजकल बहुत सारे चैनल हैं और चैनल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हैं जहां आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि वो लोग कैसे बजाते हैं, कैसे ग्रुप में बजाते हैं, एक जैसा बजाते हैं, एक साथ कॉम्बिनेशन में बजाते हैं। ये सारी चीज़ें पहले हमको देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन आज ज़माना जो है बदल गया, तो ज़माने के साथ साथ चलना चाहिए और कोई अच्छी चीज़ है उसको आपको अडॉप्ट करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, ठीक है। तो इसलिए जो है ये रिंग का चलन किया गया, कोई रिंग पहनने में अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं है, ठीक है। पहले आप देखते थे कि पहले लोग यहाँ थंब में पहनते थे, अंगूठे पे पहनते थे लोग, और ऐसे बजाते थे ये छल्ले को। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने यहाँ पहना और यहाँ पहन के मैं बजाने लगा तो पहले ऐसे बजता था, लेकिन धीरे धीरे, आज की बात नहीं है ये 250-300 साल पहले की बातें हैं, धीरे 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 इंडस्ट्री में क्या हुआ, लोगों ने इसको यहाँ पहनना चालू किया और कुछ हमारे इंडस्ट्री के गुणी जन लोगों ने इसको यहाँ पर पहन के प्रैक्टिस किया और फिर उसके बाद आज आप सुन ही रहे हैं कि कैसा ढोलक बज रही है। तो इसलिए आप अपने आप को अपडेट करिए और ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, इसको भी ज़रूर आप अपडेट करिए अपने आप को।